हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास इलेवेंथ कॉमर्स चैप्टर टू, व्यावसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति तथा महत्व। पिछले वीडियो में हमने आपको उद्योग के परिभाषा और अर्थ के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को उद्योग के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। उद्योग तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें जो है निम्नलिखित भागों में भी, उप विभागों में भी बाँटा गया है। तो उद्योग के तीन प्रकार होते हैं। पहला है प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक या सेवा उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है, वो प्राथमिक उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे कि प्राथमिक उद्योग को दो भागों में बाँटा गया है, जनिक उद्योग और निष्कर्षण उद्योग। जनिक उद्योग में पशुओं व वनस्पति की विशिष्ट नस्लों को सुधारने का कार्य करते हैं, उन्हें उपभोग के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी बनाया जाता है। और जननिक उद्योग जो है, इसमें उदाहरण है मछली पालन, पशुपालन और पौधरोपण या मुर्गी पालन इत्यादि कार्य आते हैं। दूसरा आपका है प्राथमिक उद्योग का भाग, निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, वे उद्योग जिनमें प्रकृति यानी कि पृथ्वी, जल तथा वायु की गोद में से कोई भी पदार्थ निकाला जाता है, उसे निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि से खाद्य पदार्थों व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना, खानों से कोयला, तेल इत्यादि निकालना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, समुद्र से मोती निकालना आदि कार्य जो होते हैं वो निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। दूसरा है उद्योग का प्रकार, द्वितीयक उद्योग। तो द्वितीयक उद्योग यानी कि द्वितीयक उद्योग को गौण उद्योग भी कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री। द्वितीयक उद्योग में उन उद्योगों से हैं मतलब जिनमें पहले से किसी अन्य उद्योग में उत्पादित की गई वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे गन्ने का उत्पादन करना प्राथमिक उद्योग की क्रिया है, जबकि गन्ने से चीनी बनाना जो होता है वो द्वितीयक या गौण उद्योग कहलाता है। तो गौण उद्योग को दो भागों में बाँटा गया है, निर्माणी उद्योग और संयोजक उद्योग। तो निर्माणी उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, निर्माणी उद्योग में कच्चे अथवा अर्ध निर्मित माल को मनुष्य व मशीनों की मदद से तैयार करके माल में बदला जाता है। जैसे कच्चे लोहे से इस्पात और कपड़े से कपास से कपड़ा बनाना और बांस से कागज, गन्ने से चीनी, पत्थर से सीमेंट, लकड़ी से फर्नीचर इत्यादि जो होते हैं वो निर्माणी उद्योग के उदाहरण हैं। दूसरा आपका है रचनात्मक उद्योग यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। इन उद्योगों में उन उद्योगों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं का प्रयोग करके ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो स्थायी रूप से प्रकृति की होती हैं। जैसे ईंटें हैं, सीमेंट हैं, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि का प्रयोग करके जो है सड़क, भवन, पुल, नहर, बांध आदि का निर्माण करना इत्यादि। उद्योगों के प्रकार में आपका आखिरी और तीसरा जो है भाग है तृतीयक या सेवा उद्योग। इसके अंतर्गत आपका ऐसे उद्योग है जो व्यवसाय में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें तृतीयक या सेवा उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि व्यवसाय में आने वाली बाधाएं तथा इन्हें दूर करने वाले सेवा उद्योगों को जो है इस तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए परिवहन उद्योग हो गए बाधा दूर करने वाले, और बैंकिंग उद्योग हो गए, बीमा उद्योग, विज्ञापन उद्योग या संग्रहण उद्योग जो होते हैं तृतीयक या सेवा उद्योग के उदाहरण हैं।